वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम अपनी वर्डप्रेस जो वेबसाइट बना रहे थे उसको आगे लेकर के चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट बताते हैं कि आपको हेडर कैसे तैयार करना है। पहले मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूं जो मैंने तैयार किया है। ये हेडर का सैंपल मैंने रेडी किया है और मैं ये आपके सामने बना करके दिखाऊंगा और ये पोस्ट भी एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको पता है कि जो एक्सलेंट शिक्षा जो वेबसाइट हम बना रहे हैं वो आपको लाइव करके दे रहे हैं, ये मैंने लोकल होस्ट में तैयार की है। मैं अभी जो आपको दिखाया था, जो आपने लास्ट टाइम में जो वेबसाइट देखी थी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, वो यहाँ तक पहुँच गई थी। ये देखो अभी आपको कितनी बेकार वेबसाइट लग रही है। एक्सलेंट शिक्षा डॉट कॉम वेबसाइट है ये, और ये टोटल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये इंटरमीडिएट और टेंथ क्लासेस के बेस पर होगी, जिसमें क्लास ट्वेल्थ, क्लास इलेवंथ और क्लास टेंथ और क्लास नाइन्थ और सिलेबस अपडेट और बोर्ड एग्जाम और टेस्ट सीरीज टाइप सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या करूँगा, टाइम को सेव करते हुए इसका सबसे पहले हेडर तैयार करूँगा। हेडर मतलब ये सबसे ऊपर वाला सेक्शन जिसमें आप लोगों को मेन्यू मिल जाता है और आपका साइट का लोगो मिल जाता है, ये मैं कैसे तैयार करूँगा। मैंने कुछ मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, इससे मैं इसको रेडी करूँगा। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे मैंने एडिट किया है, मैं आपको सारी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कैसे ये तैयार करना। देखो अच्छा दिख रहा है, जब हम किसी चीज को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्टिव सेशन भी हमारा दिख जाता है वो ग्रीन में, और ये देखो ये हमारे पास होवर दिख रहा है और ये ब्लैक एंड व्हाइट चमक रहा है और यहाँ पर हमारे पास सब चीजें दिखाई दे रही है। सर्च का ऑप्शन भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है। अभी इसको और भी अच्छा लुक देंगे और ये सारा बहुत बेस्ट तरीके से काम करेगा। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इस मेन्यू बार को और हेडर को रेडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आपकी साइट में आपको अपना हेडर अलग से तैयार करना है तो आपको एलिमेंटर किट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने प्लगइन्स में पहले ही इंस्टॉल करवाया था आपसे। मैं प्लगइन्स में जाकर के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो एलिमेंटर हुआ, एलिमेंटर किट हुआ, हमें किट का यूज़ करना है, ठीक है। और ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट तरीके से आपकी रैंक बढ़ाता है, गूगल में रैंकिंग करता है, ठीक है। अभी जो हमारी साइट है वो गूगल में भी देखो काम नहीं कर रही है, मतलब अभी आई ही नहीं है। देखो ये एक्सलेंट, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एक्सलेंट शिक्षा, नहीं आई वेबसाइट गूगल में, नहीं आई। देखो अभी तक रैंक भी नहीं की है। क्यों नहीं रैंक की है, क्योंकि वेबसाइट को अभी बने 2-3 दिन हुए हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आ रही है, जबकि अगर मैं आपके सामने फ्यूचर जोन अकेडमी डालूँ, देखो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फ्यूचर जोन अकेडमी, तो पहली बात तो देखो सजेशन में आ गया, क्योंकि सबसे सजेशन में नीचे दिख रहा है। दूसरी बात ये सबसे टॉप पर यहाँ पे आपको दिखाई देगी, देखो फ्यूचर जोन एकेडमी सबसे टॉप पर आ गई है। तो ये जो होती है गूगल रैंकिंग, हमारे पास इंस्टेंट इंडेक्स से हम इसको लाएंगे यहाँ पर भी और इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा लुक देंगे और चलते हैं आप लोगों को एक हेडर क्रिएट करके दिखाएंगे। हेडर के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने लॉगिन कर लेना है। अगर बाई चांस आप लॉगिन नहीं है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉगिन अगर आप नहीं है, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ये देखो मैं लॉग आउट कर दिया हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस अपने डोमेन के सामने मैं इसको भी कट कर देता हूँ और एक नए तरीके से लेकर के चलता हूँ। ये हमारी एक्सलेंट शिक्षा वेबसाइट है और मैं क्या करूँगा, देखो अभी ओपन हो गई है। मैं क्या करूँगा, लास्ट में जाकर के एक स्लैश और यहाँ पर आपको डब्ल्यू एडमिन लिखना है, डब्ल्यू पी एडमिन। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। लॉगिन, ये देखो आपको लॉगिन पैनल दिखाएगा, जो भी आपका आईडी पासवर्ड होगा उसको आप डालो और लॉगिन कर लो। उसके बाद आपको हेडर देखो कैसे कैसे तैयार करना है, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है आपको एलिमेंटर किट जो मैंने इंस्टॉल कराया था, और इसके अंदर हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन में जाना है और इसको आप नेक्स्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लोगे। ये आपको कुछ सेटअप के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट, आप ये सब सेटअप कर लीजिएगा और उसके बाद आपके सामने सारी की सारी इसकी जो भी फैसिलिटी होंगी और जो भी आपको प्रोवाइड करा है वो सब चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। हमें जाना है हेडर एंड फुटर में, क्योंकि हमें हेडर तैयार करना है। और यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका एड न्यू सेक्शन है, आप एड न्यू सेक्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप एक सेक्शन बनाओगे जिसका नाम आपको क्या रखना है, हेडर। तो मैं एच बड़ा कर देता हूँ, हेडर लिख देता हूँ। और हेडर लिखने के बाद यहाँ पर ध्यान रखना टाइप होना चाहिए हेडर, क्योंकि अगर यहाँ पर फुटर कर दोगे तो आपका सेक्शन जो है ना नीचे चला जाएगा। और उसके बाद एंटर वेबसाइट में आपको लगाना है और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, ऑफ है फिलहाल, ऑन कर लोगे। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इसको ऑफ ही रहने देता हूँ या फिर ऑन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर इसको एडिट सेक्शन पर लेकर के चलते हैं।
तो मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि हमें कैसा तैयार करना है। तो कैसा ऐसा तैयार करना है, देखो यहाँ पर देखो सब चीज़ें आपको अच्छे से दिख रही होंगी। ये सब चीज़ें मुझे क्या करनी है, तैयार करनी है, ठीक है। इसके लिए मुझे एक वेबसाइट का लोगो भी चाहिए, उसके बाद क्लास 12th, क्लास 11th और क्लास 10th और क्लास 9th और सिलेबस अपडेट, टेस्ट सीरीज, बोर्ड एग्जाम और सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर देनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वहीं पर चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सिंपल तरीके से दिखा देता हूँ कि इसमें दो सेक्शन है। एक तो हमारे पास क्या है, लोगो वाला सेक्शन, एक हमारे पास मेन्यू वाला सेक्शन, और एक और सेक्शन है वो है सर्च वाला सेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, तीन सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, और तीन सेक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल प्लस वाले पे क्लिक करना है और तीन सेक्शन यहाँ से ले लेने हैं, ठीक है। हो गया तीन सेक्शन। अभी मुझे क्या करना है, एक साइड में देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि एक साइड में मेरे पास वेबसाइट का लोगो है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ पर वेबसाइट का लोगो इमेज के थ्रू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और इमेज जो सेक्शन है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब देखो कितना बड़ा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इमेज को चूज कर लेता हूँ। इमेज को चूज करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है और ये देखो मैंने इमेज यहाँ पर ले रखी है। अगर बाई चांस आपकी इमेज यहाँ पर नहीं है तो आप अपलोड वाले सेक्शन में जाकर के सिलेक्ट कर लोगे फाइल को और अपलोड कर लोगे, लेकिन मेरे पास इमेज है तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। और याद रखना जो भी आपका टाइटल होगा उसको एक बार अल्ट टाइटल में जरूर ऐड कर लेना, क्योंकि जब भी आप गूगल में इसको सर्च करोगे तो ये अल्ट वाला टेक्स्ट आपको इसको वेबसाइट को रैंक करेगा और इसकी वजह से आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया लोगो। अभी मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कैसे कैसे सेक्शन है। तो हमारे पास पहला है एक लोगो, उसके बाद हमारे पास मेन्यू, उसके बाद हमारे पास एक सर्च सेक्शन है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मेन्यू सेक्शन ऐड करूँगा। तो मेन्यू सेक्शन ऐड करने के लिए हमारे पास मिडिल वाले कॉलम में आना पड़ेगा, और मिडिल वाले कॉलम में आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन्यू सर्च करेंगे। मेन्यू, यहाँ पर मेन्यू हमारे पास मेन्यू एंकर हुआ, एलिमेंटर किट हुआ, और ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी, लेकिन आपको एलिमेंटर किट पर जाना है क्योंकि हम किट में एडिट कर रहे हैं। तो किट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम आ गए, इसमें देखो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि सिलेक्ट मेन्यू, आप मेन्यू सिलेक्ट करो। मैंने मेन मेन्यू सिलेक्ट कर लिया है। ये मेन मेन्यू कौन से वाला है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। जब भी आप इस वेबसाइट पर जाओगे excellentshiksha.com पर, तो आपको जो मेन्यू आपने बना रखा था वो सबसे ऊपर था, अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने सेटिंग सेव कर दी है। नया मेन्यू यहाँ पर आने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ, और अपडेट करने के बाद ये देखो अभी कितना बेकार लगेगा, आपको सब चीज़ें यहाँ पर अच्छे से दिख जाएंगी। देख लो, आपको दिखा देता हूँ कि कैसा कैसा ये दिख रहा है। ये हमारे पास मेन्यू आ गया है। अभी इसकी कोई भी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है, और वहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको कितना बेकार लग रहा है। पहली बात, ये सब चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर आप इसको HTML CSS में यूज़ करते तो फ्लैक्स वाले सेक्शन से इसको आप सीधा कर देते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कर दूंगा सेट, और इसको भी इधर क्या कर लेता हूँ, इसको भी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेता हूँ, क्योंकि सर्च जो सेक्शन होगा हमारे पास बहुत छोटा होगा, लगभग 5 के आसपास। और दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये सेक्शन जो है ना हमारे पास बहुत बड़ा हो रहा है, इसकी जो विड्थ है वो फुल होनी चाहिए। इसको मैं पहले फुल कर देता हूँ। फुल मतलब जब आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो ये फुल इधर से लेकर के लास्ट तक ओपन होना चाहिए। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सबसे लास्ट तक ओपन हो रहा है, ठीक है। और अब मैं इसके बाद चलता हूँ आप लोगों को लेकर के, इसके ये भी हमारा सेक्शन क्रिएट हो गया। अभी मैं इसको अगर अपडेट करता हूँ तो आपकी वेबसाइट में थोड़ा सा फर्क दिख जाएगा। वो क्या दिख जाएगा कि ये जो हमारा सेक्शन था इसको सीधा कर देगा और ये लास्ट तक ओपन हो जाएगा। देखो यानी कि अभी बहुत सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखो आप लोग, हमारे पास एक एक्सेलेंट शिक्षा का अच्छा सा लोगो आ गया है, एक हमारे पास मेन्यू आ गया है, लेकिन इसमें मेन्यू में हमारे पास कुछ पेज कम है। कौन कौन से पेज कम है उनको भी मैं ऐड कर देता हूँ। देखो क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 9th, ये तो हमारे पास चार हो गए। एक बार चेक कर लेता हूँ चार है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास चार के चार सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस अपडेट और बोर्ड एग्जाम और भी कुछ यहाँ पर हमने ले रखा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज और एक सोल्यूशन, दो सेक्शन हमें बढ़ाने हैं। अभी हमने इनके अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं कर रखा है। देखो आप, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल पेज ऐड करने हैं। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस सेक्शन में जाना पड़ेगा और अपीयरेंस में जाना पड़ेगा और थीम में जाना पड़ेगा, ठीक है। थीम में हमारे पास एक सेक्शन होगा कस्टमाइज, कस्टमाइज में जाना पड़ेगा। यहाँ पर कस्टमाइज में जाकर के हम तुरंत यहाँ पर दो सेक्शन ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी अभी फालतू काम नहीं करना है। सिंपल हमें क्या करना है, मेन्यू में जाना है और जो हमारे पास मेन मेन्यू उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऐड आइटम्स पर क्लिक करना है। और जो भी हमारे पास दो सेक्शन थे, कौन कौन से, एक तो टेस्ट सीरीज एक सॉल्यूशन, हम दोनों को यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट सीरीज, टी कैपिटल रखते हैं, टेस्ट, एस बी कैपिटल रखते हैं, एस
TRIES टेस्ट सीरीज। एक सेक्शन तो हमारा ये हो गया, और फिर एक सेक्शन हमारे पास और हमने क्या रखा है, सॉल्यूशन, SB कैपिटल रखते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस, ठीक है, एस बाद में लगा देंगे क्योंकि हम एक चीज का सोल्यूशन नहीं देंगे, हम बहुत सारी चीजों का यहाँ पर सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास देखो कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम हमारे पास सबसे लास्ट में होना चाहिए, ठीक है, या फिर देख लेते हैं एक बार वहां पे मैंने कैसे सेट कर रखा है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के बाद सोल्यूशन दे रखा है, तो एक काम करेंगे हम बोर्ड एग्जाम के बाद ही सोल्यूशन रख लेंगे, ठीक है, ये रख लिया मैंने, ऊपर कर दिया। आपको ये भी ध्यान रखना है अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये नीचे वाले सेक्शन में चल जाएगा, ड्रॉप डाउन वाले सेक्शन में चलेगा, नहीं करना भी, और ये हमने सिंपल ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कर देंगे पब्लिश, और जैसे ये पब्लिश होगा देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब ये पब्लिश होने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो हमारे पास सेक्शन में जगह बच रही थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्च सेक्शन लाना है क्योंकि वहां पर हमने एक सर्च आइकन भी लगा रखा है, देखो सर्च आइकन है, और इसको साथ में एक बहुत अच्छी हमें क्या करना है, CSS यानी कि डिजाइन भी देना है, जैसे कि यहाँ पर ये देखो कितना अच्छा लुक आ रहा है, ये भी हम सेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ वहीं पर चलता हूँ, आज यहाँ पर हमने इसको एडिट कर रहे थे, यहाँ पर था हमारा सेक्शन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्च वाला सेक्शन लाना है। तो मैं सर्च के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, सर्च करूँगा SEARCH, और ये जो लास्ट वाला सेक्शन है ई किट वाला, हम इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और ये आ गया अपना सेक्शन यहाँ पर, देखो यहाँ पे सर्च वाला सेक्शन आ गया। अभी एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा ये वाला सेक्शन इससे बहुत दूर है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर हम इसको अपडेट करेंगे ये हमारा सेक्शन इधर आ रहा है और ये सेक्शन हमारे पास इधर जा रहा है, तो हमें ये इसके पास में लेकर के आना है, साथ ही हमें इसको इधर भी शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ इस वाले सेक्शन पर जाता हूँ, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसका अलाइनमेंट, ये तो हो गया, सॉरी हम इसके अंदर वाले सेक्शन में जाएंगे, और ये जो अंदर वाला सेक्शन है इसकी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी सबसे पहले पोजिशन सेलेक्ट करता हूँ, पोजिशन मिडिल वाले सेक्शन की, मिडिल वाले सेक्शन ये रहा और मैं इस पर एडिट पे क्लिक किया, पोजिशन वाले सेलेक्ट करते हैं, हाइट देखते हैं इसकी, हाइट एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि हम इसकी हाइट कितनी सेट करते हैं, एक मिनट आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो ये इसकी हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना ब्लैक सेक्शन हो रहा है, अगर मैं इसकी हाइट फुल कर दूं तो ये ऊपर तक ब्लैक चमकता, लेकिन हम क्या करेंगे इसकी हाइट इतनी सेट करेंगे ताकि अच्छे से दिख जाए, तो मैं इसकी हाइट पहले सेट कर लेता हूं, तो यहां पर 30 हो गई, 30 की वजह से देखो अब यहां पर हमारे पास सेक्शन ऐसे आ गया है। और दूसरी बात ये तो आ गया हमारे पास, और मैं इसका कंटेंट भी सेट कर लेता हूँ, ये हमारे पास जो होना चाहिए पोजिशन सेंटर में होनी चाहिए, सेंटर में, ठीक है, एक बार अपडेट करके चेक कर लेते हैं, जैसे अपडेट करेंगे तो ये हमारे पास दिख जाएगा कि कौन कौन सा सेक्शन कहां पर है, अभी देखो ये सही आ गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो मैं इसको भी पहले फिक्स कर देता हूं, मैं इस वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा, सॉरी इस वाले सेक्शन पर यहां पर क्लिक करूंगा, और इसका जो एलिमेंट है वो मिडिल कर दूंगा, देखो मिडिल करने से क्या हो गया, बीच में आ गया, ठीक है, और इसका अलाइनमेंट भी हम मिडिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हमारे पास मिडिल में है, तो जैसे मैं इसको अपडेट करूंगा तो अपडेट में करने के बाद ये हमारा सेक्शन जो है ना मिडिल में आ जाएगा, अभी देखो ये ऊपर टंग रहा है, और मैं क्या करूंगा इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद ये जो सेक्शन हमारा ये नीचे आ जाएगा, अभी देखो एक अच्छा सा लुक हमें मिलने लग गया है, लेकिन अभी वैसा नहीं आया क्योंकि यहाँ पर देखो हमें बहुत अच्छा लुक मिल रहा है, ठीक है, और ये सब चीज़ें हम अभी सेट करेंगे, ठीक है, देखो होवर करने पर हमें सब चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रही है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सर्च वाला सेक्शन है ये जो सबसे लास्ट में है ये देखो सबसे लास्ट में जा रहा है, हम क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे थोड़ा सा, तो इधर में लाने के लिए हम क्या करेंगे इसी सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको पैडिंग के थ्रू लाएंगे, पैडिंग मार्जिन, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, और इसका जो मार्जिन है हमारे पास लेफ्ट सेक्शन है, देखो लेफ्ट तो उधर जाएगा लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा राइट करना पड़ेगा, राइट की वजह से ये थोड़ा इधर आ जाएगा, नहीं आ रहा है, तो अगर ये राइट प्लस करने से इधर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट वाले को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं प्लस करूंगा तो उधर जा रहा है, अगर मैं माइनस करूंगा तो इधर आएगा, ठीक है, तो इधर हमें क्या करना है मिनिमम ये 50 करेंगे तो 50 में ये इधर आ जाएगा, तो मैंने 50 कर लिया है, और मैं इसको अपडेट करता हूँ और चेक करता हूँ कि रिजल्ट हमारा कैसा आ रहा है, तो देखो ये इधर आ गया है। अब ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो हमारे पास है ना लोगो है ये हमारे पास इस साइड में जा रहा है, देखो वहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को ये लोगो हमारे पास कितनी दूर है, यहाँ पर है, अगर ये हमारा लोगो देखे तो ये हमारे पास इतना रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा राइट साइड में, तो मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ और इसके भी उसी सेक्शन में जाते हैं मार्जिन में और इसको क्लिक कर लेते हैं और इसको हम राइट करेंगे, राइट राइट तो गलत जगह जा रहा है तो हमें लेफ्ट ही करना पड़ेगा,
लेफ्ट में इसको 10 कर लेता हूँ तो 10 में सही आ जाएगा। तो मैंने 10 किया और अपडेट किया, अपडेट करने के बाद ये दिख जाएगा कि कैसा दिख रहा है। तो थोड़ा सा इधर खिसक जाना चाहिए, वो हो गया हमारा, सब सेट हो गया। अब हमारे पास सर्च आइकन भी हमारे पास ये आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्च आइकन हमारा ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। देखो वहाँ पर हमने देखे कैसे बना रखे हैं, इसकी लाइनिंग में ले रखे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी सेक्शन मिडिल में लेना पड़ेगा, और मिडिल में लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंटर सेक्शन में जाना पड़ेगा और इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले सेक्शन पर। और क्लिक करने के बाद हम इसका एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट दे रखा है तो मिडिल सेक्शन कर देंगे। मिडिल में करने के बाद ये देखो ये भी इसकी अलाइन में आ गया, इसकी सीध में आ गया, इसके लाइन में आ गया। तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद इसको चेक करेंगे कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो फाइनली हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर CSS ऐड करनी पड़ेगी या फिर ये कहो कि ब्यूटी ID ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी हेडर तैयार होता है तो हेडर के अंदर हमारे पास एक नैव बार होता है, नैव बार के अंदर एक नैव एलिमेंट आइटम्स होते हैं, ठीक है। हमें ये आइटम्स हैं और इनकी हमें क्या करनी है, अच्छे से CSS ऐड करनी है। तो CSS यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप से हम तैयार करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस वाले सेक्शन पर, और यहाँ पर आता हूँ। देखो मेन्यू सेटिंग में हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है सिर्फ मेन्यू आइटम पर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर मेन्यू रैपर से हमें कोई मतलब नहीं, मेन्यू आइटम से मतलब है, ठीक है। आइटम में हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल वाले सेक्शन में जाएंगे और नॉर्मल वाले सेक्शन में हमारे पास कुछ करना है नहीं करना है। तो करना तो है, लेकिन वो क्या करना है, वो करना है हमें टाइपोग्राफी प्राइमरी लेंगे तो सबसे अच्छे लगेंगे, जैसे कि मैंने वहाँ पर आपको बना करके दिखा रखे हैं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। तो हमने प्राइमरी करते ही हमारा सब सेक्शन ऐसा हो गया है, ठीक है। अपडेट करेंगे और चेक करेंगे कि रिजल्ट अभी कैसा आ रहा है। तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है, देखो थोड़ा अच्छा लगने लग गया, ठीक है। ये सेक्शन हमारा बहुत अच्छे से क्रिएट हो गया है और अब हम क्या करेंगे, इसको एक हावर वाला सेक्शन देंगे, जैसे कि वहां पर आपको मिल रहा है। देखो ये सेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वहीं पर जाऊंगा एलिमेंट हेडर में और यहां पर जो हमारा सेक्शन है, देखो ये आइटम्स हो गया। अभी मुझे होवर सेट करना है। होवर के लिए सबसे पहले मुझे आइटम टेक्स्ट कलर सेट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा मेरे को व्हाइट कर देते हैं। तो जब मैं इसको ले जाऊंगा, देखो व्हाइट हो गया है। अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ये व्हाइट हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड जो हमारे पास वो ब्लैक नहीं हो रहा है। तो ब्लैक करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसी सेक्शन में जाएंगे, ये व्हाइट हो गया है। अब उसके बाद इसको अपडेट कर देते हैं। तो बैकग्राउंड वाले सेक्शन में जाएंगे और बैकग्राउंड वाले कलर पे चेक करेंगे। कलर पे चेक करने के बाद हमें कौन सा कलर चेक करना है, वो हमें चेक करना है ब्लैक। तो मैं यहाँ पर एक सॉलिड ब्लैक चूज कर लेता हूँ। देखो ये आ गया, पहले वाला ब्लैक आ गया। और उसके बाद वाला जो हमारे पास सेक्शन कौन से वाला है, देखो यहाँ पर दोबारा से चलते हैं। देखो ऊपर ब्लैक हो गया, नीचे ब्लू हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों के दोनों सेट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर से जाता हूँ वहीं पर मेन्यू वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो जो हमारे पास मेन्यू आइटम स्टाइल है उसके अंदर फिर से चलते हैं और यहां पर एक सेक्शन तो हमारा हो गया ब्लैक, लेकिन दूसरा सेक्शन रह गया है। तो बैकग्राउंड में थे हम और यहां पर हमने एक सेलेक्ट कर लिया, दूसरा भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी गलती कर दिया, ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, हमें बैकग्राउंड नहीं सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड तो हमें करना ही नहीं था यार, ये क्या कर दिया हमने, बैकग्राउंड में कलर नहीं देना चाहिए था। तो कर देते हैं फिर से वाइट, तो बैकग्राउंड में वाइट हम दोबारा से कर देते हैं। ये लो वाइट कर दिया। देखो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ बटन्स यानी कि मेन्यू स्टाइलिंग में जाना है और उसको करना है सेट, ठीक है। क्लियर कर देते हैं। तो भाई हम कहाँ थे, तो हम यहाँ पर थे स्टाइल के अंदर और किसका स्टाइल कर रहे थे, इसका स्टाइल कर रहे थे। देखते हैं यार कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन्यू रैपर हो गया था, अभी हम एक दोबारा से करते हैं मेन्यू आइटम स्टाइल में चलते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास है ना आइटम का स्टाइल कर रहे थे, तो यहाँ पर कलर देना है हमको, सिर्फ बैकग्राउंड कलर देना है और वो भी होवर के अंदर देना है यार, होवर के अंदर। ये देखो होवर के अंदर ये कलर हो गया, तो इसको भी ब्लैक कर देते हैं और जैसे ही ब्लैक करेंगे तो हमारे पास वो हमने जो प्रॉपर्टी वहाँ पर ऐड कर रखी है वो हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमने काम कर रखा है वो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। देखो ये इसकी जो हाइट है ना वो ज़्यादा है, ऊपर वाली हाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम अभी चेक किए हैं वो देखो, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद दिख जाएगा, देखो ये वाला सेक्शन, इसकी हाइट हमारे पास थोड़ी कम लग रही है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ी हाइट को थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ और एक बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूँ। तो बॉर्डर रेडियस और हाइट दोनों को ऐड करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, कंटेंट में चलते हैं।
सॉरी यहाँ पर चलते हैं स्टाइल में, और इसकी हाइट को 35 कर देता हूँ। तो 35 करने से थोड़ा अच्छा लगेगा, और 35 से मैं इसको 37 38 कर देता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। और मैं चलता हूँ दूसरा होवर की तरफ। होवर में जब हमने ब्लैक कलर ऐड कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस डालनी पड़ेगी। बॉर्डर रेडियस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉलिड एक बॉर्डर देना पड़ेगा और फिर इसके अंदर रेडियस ऐड करनी पड़ेगी। रेडियस कर लेते हैं 10, एक बार चेक कर लेंगे कितना पड़ेगा, 10 है 11 रहेगा। तो मैं यहाँ पर देखो कैसा दिख रहा है, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। चलो अपडेट करके देख लेते हैं, अपडेट करने से हमें सब कुछ पता लग जाएगा। तो मैंने अपडेट कर दिया है, तो यहाँ पर मिल जाएगा अभी रिजल्ट, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखो आपके सामने बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका जो टेक्स्ट है वो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो वहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये क्लिक कर रखा है तो ये हमारे पास रेड दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर देखो ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ग्रीन, ग्रीन का मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ चमक रहा है। आपको क्या चमक रहा है, बिल्कुल साफ देख सकते हो आप कि ये आपका एक्टिव है। तो एक्टिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा फिर से, और यहाँ पर एक एक्टिव सेशन भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर होगा एक्टिव, और एक्टिव में सिर्फ आपको कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम देंगे इसको थोड़ा सा ग्रीन दे देंगे। तो ग्रीन हमारे पास ये हो गया, और इसको अपडेट करेंगे। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद देखो अपडेट करने के बाद अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर क्या रहेगी, ये देखो सब चौपट हो गया, क्या हो गया है, एक बार अपडेट कर देते हैं। हाँ सही है, देखो थोड़ा नीचे क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ये हमारे पास जो सेक्शन हो गया यहाँ पर ये हो गया लाल हो गया। तो हम इसको भी ग्रीन कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं ग्रीन सेक्शन में जाता हूँ और इसको भी फुल ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और अपडेट करते हैं फिर से, अभी हमारी जो है ना यहाँ पर देखो अपडेट करने के बाद ये भी सेक्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो अपडेट हुआ, सेक्शन सही हो गया। अभी एक और प्रॉब्लम हो रही है कि ये ब्लैक दिख रहा है अंदर से, अंदर से कैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, और टेक्स्ट कलर देखना पड़ेगा यहाँ पर, आइटम टेक्स्ट कलर, आइटम टेक्स्ट कलर देखना पड़ेगा यहाँ पर। आइटम टेक्स्ट कलर जो है ना मैं वाइट करना पड़ेगा, सिट जो हमारा आइटम टेक्स्ट कलर है वो रहेगा वाइट, ठीक है। अपडेट करते हैं फिर से, और अपडेट करने के बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि रिजल्ट कैसा आ गया, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए इस बार, ठीक है। देखो सब सही हो गया है, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ 10th क्लास पर, तो 10th क्लास पे देखो होवर हो गया, नहीं ये सब चीज़ें सब सेट हो गई हैं। अभी और कुछ रहा गया नहीं, और है एक और चीज़ है यहाँ पर, एक छोटी चीज़ रह गई है, वो ये है कि ये सेक्शन हमारा दूर जा रहा है। हम एक बार वहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पर सब चीज़ें हमारी सेट हो गई है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है यहाँ पर देखो ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू क्या, एक छोटी सी इमेज दिख रही है जो कलम के साथ में दिख रही है, ये होती है आपकी साइट की आइकन, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मेन साइट है, मेन साइट में यहाँ पर कोई भी आइकन नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो इसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने साइट के हेडर में जाना पड़ेगा, या फिर आपकी साइट के जो हेडर इमेज में भी मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, सॉरी यहाँ पर नहीं मिलेगा, साइट आइडेंटिटी में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साइट आइडेंटिटी में मिल जाएगा सेक्शन, साइट आइडेंटिटी में मिल जाएगा आपको ये सेक्शन। अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीम सेटिंग और बैकग्राउंड इमेज, थीम सेटिंग में देखते हैं, थीम कलर ऑप्शन में नहीं, स्लाइडर में नहीं जाना हमें, और यहाँ पर देखते हैं ये सेक्शन हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर है। ये हमारे पास साइट का आइकन है, और साइट का आइकन हमें बहुत ज़रूरी है कि ये ऐड होना चाहिए। होम पे सेटिंग में देख लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थीम में, टाइपोग्राफी में, थीम कलर सेटिंग, जनरल सेटिंग, यहाँ पर भी नहीं है, चेक करना पड़ेगा। बटन ऑप्शन, स्लाइडर सेक्शन, क्रिएटिव सेक्शन, ब्लॉगर पेज सेटिंग, ये भी नहीं है। हम थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ पर फुटर टेक्स्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिव सेटिंग में भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। जनरल वाले सेक्शन में देखते हैं, जनरल वाले में भी नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, थोड़ी देर के लिए जो हमारे पास ये मेन्यू आइकन है इसको हटा देंगे थोड़ा सा, उसके बाद चेक कर लेंगे कहाँ पर होगा। ये हमारे पास साइट सेटिंग में चेक करना पड़ेगा, देखते हैं एक बार। स्लाइडर सेटिंग, क्रिएटिव फीचर सेक्शन नहीं चाहिए, रेस्पॉन्सिव नहीं चाहिए, बैक करते हैं, स्लाइडर आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी, ये मिल गया यहाँ पर साइट का लोगो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अपनी छोटी सी इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो हमें नहीं मिलेगी, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है।
यहाँ पर हमारे पास एक्सेलेंट शिक्षा का जो फोल्डर है उसके अंदर ये मिल जाएगा। मैंने पहले ही इसको सेट करके रख रखा है। और यहाँ पर मैं एक बार लोगो देख लेता हूँ, लोगो छोटा सा कलम के साथ में हो जाना चाहिए, कहाँ पर ये रहा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर उठा लेता हूँ और उठाने के बाद इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पर स्किप क्रॉप कर लेता हूँ और ये देखो हमारे पास ये कहाँ पर जाएगा देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे ऊपर मिलेगा, अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद देखो यहाँ पर अभी हमें कुछ नहीं दिखा दे रहा, तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद ये हमें मिल जाएगा। सॉरी, एक बार यहाँ पर अपडेट हो गया ना, अपडेट होने के बाद देखते हैं, रिफ्रेश अपडेट हुआ ना, अपडेट हो गया तो रिफ्रेश करते हैं। अभी तक नहीं अपलोड हुआ, ये जो है अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। एक्सलेंट वन स्टेप साइट सेटिंग 30 pixels, थोड़ा टाइम लगेगा शायद अपडेट होने में, थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसको बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करके दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लगती है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे एक पोस्ट ऐड करनी है, ठीक है। पोस्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको सामने आपके सामने एक हेडर क्रिएट करके दिखाया। एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब मैं इस पर मेज पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा सेक्शन नहीं ओपन हो रहा है, तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। इस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर एक लिंक में जाएंगे और कस्टम लिंक ऐड कर देंगे। तो कस्टम लिंक में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेबसाइट है उसका जो वेबसाइट का URL है, देखो मैं इसको वेबसाइट के URL को उठा लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके, और मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, जब भी हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ फ्यूचर जोन अकेडमी को, तो जो उसका लोगो होगा, जब मैं लोगो पर क्लिक करूंगा तो वहाँ पर क्लिक करने से वो साइट ओपन होगी, ठीक है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद चेक कर लेता हूँ। देखो अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी। देखो क्लिक करने से क्या हो रहा है, वेबसाइट ओपन हो रही है। 12th class पर क्लिक करूंगा तो होवर आ रहा है, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि यार इनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम लग रही है, लग रही है ना। एक बार वहां पर भी चेक कर लेते हैं कि हमने स्पेसिंग दे रखी है कि नहीं, ठीक है, सही है। वहां पर इतना ही स्पेस है तो इतना ही यहां पर है, सही है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी एक और प्रॉब्लम मैं यहां पर सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। ये जो हमारे पास मोबाइल ऐप वर्डप्रेस थीम दिख रही है ना, ये भी नहीं हमें चाहिए यहां पर। इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये है फुटर सेक्शन। और फुटर सेक्शन को हम यहां पर, ये तो अपडेट हो गया ना, फुटर सेक्शन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं दिखाता हूं आप लोगों को। बैक करते हैं और यहां वाले पर सेक्शन में चलते हैं और यहां पर एक फुटर नया क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, फुटर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना, बस मैं उसको अभी खत्म करके दिखा रहा हूं। और फुटर जब हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे तो वहां से हम क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। तो मैं यहां पर सेव चेंजेस करता हूं। सेव चेंजेस करने के बाद ये जो फुटर हमने तैयार किया, अभी इसके अंदर आइटम तो कुछ है नहीं, तो जब नहीं है तो ये यहां से गायब हो जाएगा। तो देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, ये यहां से गायब हो गया है। अभी इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का फुटर सेक्शन नहीं है। अब जब इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी सिर्फ हमने क्या ऐड किया है, सिर्फ हेडर रेडी किया है। और इतना रेडी करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में एक पोस्ट आपके सामने टाइप करेंगे। मैं सोच रहा था कि एक पोस्ट इसी वीडियो में टाइप कर दूं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ये वेबसाइट आपको सही में बनती अच्छी नज़र आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में सारी की सारी चीज़ें अच्छे से आपको डिफाइन करूंगा। और नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को एक फुटर सेक्शन भी तैयार करके दिखाऊंगा और साथ में आप लोगों को जो इसका सेक्शन जो होगा ना हमारे पास, कौन सा सेक्शन होगा, जो इसका पोस्ट वाला सेक्शन होगा, जैसे कि रिसेंट पोस्ट, ये सब चीज़ें ऐसे करके जनरेट करके दिखाऊंगा आपको, जैसे इसमें सब चीज़ें दिख रही हैं आपको फुटर सेक्शन। यहाँ पर ये भी दिखाऊंगा लिख करके copyright@2020allrightwizard, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Oh, 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 oh